हेलो फ्रेंड, मृगन चल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दंड प्रकरण संहिता 1973 के धारा 436 के बारे में और धारा 436A के बारे में। दोस्तों, मैं आज से अध्याय 33 यानी चैप्टर 33 को स्टार्ट कर रहा हूँ और एक एक करके जितने भी धारा 436 से लेकर धारा 450 तक दिया गया है, जिसमें जमानत और बेल बॉन्ड यानी बंधन पत्र की नियम क्या होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में धारा 436 से लेकर धारा 450 तक दिया गया है। मैं एक एक करके पहले मैं इस पे जितने भी इम्पोर्टेंट जो धारा है, उपधारा है, उसके साथ में एक एक करके बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही आसानी से आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों, उसके बाद मैं धारा 436 से लेके धारा 450 तक, जिसमें जमानत और बंधन पत्र के क्या नियम होते हैं, इसके बारे में अध्याय 33 में बताया गया है, मैं एक वीडियो में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आज से आप लोग इस वीडियो को एक एक करके सुनते रहिएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं अपने विधि ज्ञान के माध्यम से उनको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग के स्क्रीन पर सारे नोट्स का नाम आ रहे होंगे। मैं आप लोगों को बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही आसानी से उपलब्ध कराऊंगा नोट। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें से कोई भी नोट चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे मांग सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले धारा 436 किन मामलों में जमानत ली जाएगी। तो धारा 436 में दो उपधारा दिया गया है। तो उपधारा एक आता है जब कोई अभियुक्त व्यक्ति जमानती अपराध में पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, उस बीच किसी समय या न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों के दौरान जमानत देने के लिए तैयार है, तब ऐसा अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, धारा 436 के उपधारा एक में दंड प्रकरण संहिता संशोधन अधिनियम 2005 के तहत परंतु और स्पष्टीकरण को जोड़ा गया। तो परंतु कहता है कि यदि पुलिस अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है तो वह अभियुक्त व्यक्ति के अपने समक्ष हाजिर होने के लिए प्रतिभूय रहित बंधन पत्र ले सकता है। यदि अभियुक्त व्यक्ति निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है तो उसे बिना प्रतिभूय रहित बंधन पत्र पर छोड़ देगा। इसमें स्पष्टीकरण कहता है, जहाँ कोई अभियुक्त व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख से एक सप्ताह यानी 7 दिन के भीतर जमानत देने में असमर्थ है तो पुलिस अधिकारी या न्यायालय समय लेगा कि परंतु के तहत निर्धन व्यक्ति है वो। धारा 436 में दंड प्रक्रिया संशोधन 1980 के तहत एक बात जोड़ी गई है कि धारा 36 की कोई बात धारा 116 की उपधारा 3 या धारा 446 क पर लागू नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं धारा 2। उपधारा 1 के तहत किसी अभियुक्त व्यक्ति को हाजिरी के समय और स्थान पर आने के लिए जमानत दिया गया और वह अभियुक्त व्यक्ति जमानत पत्र के शर्तों का उल्लंघन करता है, तब उसी मामले में अभियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या गिरफ्तार करके लाया जाता है, तब न्यायालय जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकता है और ऐसी इनकारी ऐसी जमानत पर से अवध किसी व्यक्ति से धारा 446 के अधीन उसकी शास्ति देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद हम जानते हैं धारा 436A को। धारा 436A को दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें धारा 436A कहता है कि अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है, जब कोई अभियुक्त व्यक्ति किसी कानून के तहत अपराध में जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उसे मृत्यु दंड का सजा हो, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जांच या विचारण के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो कानून के तहत उस अपराध के लिए आरोपित किया गया है आधे से अधिक दिनों तक जेल में रह चुका है, तब वह प्रतिभूय सहित या रहित व्यक्तिगत बंधन पत्र पर न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाएगा। धारा 436A में दो परंतु दिए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम परंतु एक को देखते हैं कि धारा 436A के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय अभियोजन पक्ष के सुनने के बाद ही छोड़ सकती है। अगर अभियोजन पक्ष छोड़ने से मना करता है और न्यायालय को लगता है तब अभियुक्त व्यक्ति का निरोध बढ़ा सकता है। परंतु दो कहता है, यदि अभियुक्त व्यक्ति जांच या विचारण की अवधि के दौरान कानून के अधीन उस अपराध के तहत मिले सजा की अवधि से ज्यादा दिन तक निरुद्ध यानी जेल में नहीं रखा जा सकता। इसका स्पष्टीकरण क्या कहता है, तो जमानत मंजूर करते समय
इस धारा के अधीन निरोध की अवधि की गणना करने में अभियुक्त द्वारा कार्रवाइयों में किए गए विलंब के कारण भोगी गई निरोध की अवधि को हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी अपने धारा 436 और धारा 436A को समझा। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि धारा 436 और धारा 436A को समझने में आपको आसानी होगी। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। और जो लॉ के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी नोट्स जो आपके स्क्रीन पे जो नोट्स बताए गए अगर चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से किसी नए धाराओं पर किसी नई टॉपिक पर बहुत जल्द मिलने वाला हूँ। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।